ये आपका आर्टिकल आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी सामान्य जानकारी के लिए। और अभी आपने देखा है कोरोना महामारी में किस तरह से खाद्य सुरक्षा पर, पोषण अवस्था पर किस तरह से प्रभाव पड़ा है, तो उसी के संदर्भ में लिखा गया है। तो इसमें बहुत कुछ जानने के लिए आपका, तो चलिए इसके विभिन्न पक्षों की बात भी करेंगे हम लोग, और भी जो पॉइंट होंगे उस पर भी बात करेंगे। विश्व खाद्य सुरक्षा और पोषण अवस्था संबंधी रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार भारत सबसे बड़ी खाद्य असुरक्षित आबादी वाला देश है। खाद्य और कृषि संगठन यानी कि FAO तथा अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से जारी की जाने वाली इस रिपोर्ट में विस्तृत अनुमान बताते हैं कि वर्ष 2014 से 2019 तक खाद्य असुरक्षा का दायरा 3.8 यानी कि 3.8% तक बढ़ गया है। वर्ष 2014 के सापेक्ष वर्ष 2019 तक 6.2 यानी कि 6.2 करोड़ अन्य लोग भी खाद्य असुरक्षा के दायरे में आ गए हैं आपके। आप जानते हैं कि किस तरह से प्रभाव पड़ा है फसलों पर, भी आपने देखा है प्रभाव पड़ा है इसका कोरोना वायरस का, तो उसी के कारण इस तरह की समस्या देखी जा रही है। वैसे आपको बता दूं कि जो आपका खाद्य एवं कृषि संगठन है, इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर आपको रोम इटली में देखने को मिलेगा। और वैसे तो आपके पूरे संगठन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संगठन कवर कर चुका, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, महत्वपूर्ण संगठनों के नाम से आपकी प्लेलिस्ट सूची बनी हुई है, बहुत विस्तार से आपका पढ़ाया गया है। वस्तुतः खाद्य सुरक्षा के सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत तीन प्रमुख आयामों यथा पहुंच, उपलब्धता और उपयोग को शामिल किया जाता है। सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र और आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंध के सदस्य के रूप में भारत पर भूखे से मुक्त होने और पर्याप्त भोजन के अधिकार को सुनिश्चित करने का दायित्व है। आपने एक बार ये भी सुना होगा कि जितने लोग अभी कोरोना से मर रहे हैं उससे ज्यादा कई डेली आपके भूख प्यास से मरते हैं। एक तरह से आप कह सकते हैं कि कुपोषण से मरते हैं, उन्हें खाना नहीं मिल पाता है टाइम, इससे भी मरते हैं। रिपोर्ट संबंधी अन्य तथ्यों की अगर बात करें तो रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण वर्ष 2030 तक शून्य भुखमरी के लक्ष्य को प्राप्त करना कठिन प्रतीत हो रहा है। आपने जो भी लक्ष्य रखे हुए आपके देश में देखिए, चाहे अब तो समय आने वाला समय बताएगा कि 2022 तक किसानों की आय की दुगनी बात की जा रही थी, तो इस पर भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है आपका। ये तो आने वाले वक्त में मालूम चलेगा कि इस तरह की हो रही है व्यवस्था या नहीं हो रही है। आपने देखा है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की बात की जा रही थी डॉलर की, लेकिन ये भी आप देखेंगे आगे कि क्या इसमें फेरबदल होता है, क्योंकि आपने देखा है कि कोरोना महामारी ने किस तरह से प्रभावित किया। अपने ही देश की बात मत करिए, पूरा विश्व किस तरह से प्रभावित हुआ है। अमेरिका को ले देख लीजिए, किसने वहां की अर्थव्यवस्था की खस्ता हालत हो चुकी। एक समय हमारे देश में आप देखते थे भारत में कि 7.4, 7.5, 7.6 विकास दर हुआ करती थी। आज जितनी भी रेटिंग एजेंसी है वो आपकी 1 से 1.5%, बहुत से बहुत 2.5% तक विकास दर हमारी बता रही है। ऐसे सतत विकास लक्ष्य 2, भुखमरी का अंत, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण तथा सतत कृषि को प्रोत्साहन को प्राप्त करने में भी बाधाएं उत्पन्न होंगी। याद रखिए, वैसे तो आप लोग इस सतत विकास लक्ष्य आपके 17 हैं, इन्हें अच्छे से याद रख लीजिए, क्योंकि इनसे भी आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस प्रीलिम्स में भी बन जाते हैं और आपके मेंस में भी कहीं भी आप लोग इनका यूज कर सकते हैं आराम से। वैश्विक महामारी COVID-19 के कारण आई आर्थिक मंदी से विश्व भर में लगभग 8 से 13 करोड़ अन्य लोगों के इस वर्ष भुखमरी के कगार पर पहुंचने की संभावना व्यक्त की गई है। आप समझ रहे हैं, 8 से 13 लाख अन्य यानी कि पहले जितने थे वो तो अलग ही है, लेकिन इनके जुड़ने की संभावना है। रिपोर्ट से पता चलता है कि वर्ष 2014 से 16 में भारत की 27.8% आबादी मध्यम या गंभीर खाद्य असुरक्षा से पीड़ित थी। कितनी? 27.8%। आप समझ सकते हैं कि एक खासी आबादी है कुल आबादी में से। समझ लीजिए कि अगर 100 व्यक्ति हैं तो उसमें से आप 27 से 28 व्यक्ति आप कह सकते हैं गंभीर खाद्य असुरक्षा यानी कि उन्हें अच्छी व्यवस्था, अच्छी तरह से खाना नहीं मिलने से पीड़ित थे। बोलो, इसका मतलब सीधा समझ रहे हैं। जबकि वर्ष 2017 से 19 में अनुपात बढ़कर 31.6% हो गया, यानी कि आप समझ सकते हैं कि हमारी 135, आप 2011 की जनगणना के अनुसार ले लीजिए,
मान लीजिए 121 करोड़ जनसंख्या है, उनमें से उसमें से 31.6% आपकी गंभीर खाद्य असुरक्षा से पीड़ित है। वर्ष 2014 से 16 में खाद्य असुरक्षित लोगों की संख्या 42.65 करोड़ से बढ़कर ये आपकी 2017 से 19 में 48.86 करोड़ हो गई है। कितनी? 48.86 करोड़। वैसे तो आपने देखा है हमारी सरकारें, हमारे नेता बड़े मतलब एक तरह से बोलते रहते थे कि मैं 10 साल तक खिला सकता हूँ अपनी जनता को, अपने देश की जनता को बैठा रखे, लेकिन इसी 3 महीने में 4 महीने में आपने देख लिया है पूरी तरह से उजागर हो चुका है। फिर चाहे हॉस्पिटल की व्यवस्था यानी कि स्वास्थ्य की व्यवस्था देख लीजिए, या फिर गरीबों को खाना खिलाने की बात कर लीजिए, या फिर किसी भी क्षेत्र में सब कुछ उजागर कर दिया है कि हमें अपनी यहाँ की व्यवस्था को सुधार लेना चाहिए, क्योंकि आपने हर क्षेत्र में देखा है कि हमने झटका ही खाया है एक तरह से। सबसे ज्यादा आपके दिमाग में आ रहा होगा कि खाद्य असुरक्षा की बात की जा रही है, तो ये खाद्य असुरक्षा से तात्पर्य क्या है, होता क्या है आखिर? खाद्य असुरक्षा को धन अथवा अन्य संसाधनों के अभाव में पौष्टिक और पर्याप्त भोजन तक अनियमित पहुंच के रूप में परिभाषित किया जाता है। खाद्य असुरक्षा के दौरान लोगों को भुखमरी का सामना करना पड़ता है। आप ही सोचिए कि आपके पास पैसा है, आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, तो आप तो खरीद के बेहतर खाना खाएंगे, पोषण मतलब आपके जो भी बच्चे अच्छा बेहतरीन खाना खाएंगे, एक अच्छे से तगड़ी डाइट लेंगे जो आपके शरीर को जरूरत है। लेकिन इससे जूझेगा कौन? ये समस्या किसके सामने है? जिसकी एक तो आप कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर है, और कोरोना महामारी में आपने देखा है किस तरह से एक रेडी वाले के, सोचिए आप लोग कि जो अपना डेली कमाता था, या रिक्शा वाले को आप लोग देख सकते हैं, उस पर तो प्रभाव पड़ा है, उसके परिवार पर भी आप देख सकते हैं किस तरह से प्रभाव देखा गया है। वो लोग इसमें जुड़ रहे हैं, हम आप लोग नहीं कि हमारे पास आपके पास सुविधाएं हैं, हम लोग खा रहे हैं VIP अच्छे तरह से ठीक ठाक स्थिति में है, तो हमारी बात नहीं की जा रही, उन्हीं लोगों की बात की जा रही है। इससे जो भी बेरोजगार हुए हैं, बेरोजगार का कहने का मतलब है दिन दिहाड़ी पर जो भी काम करते थे, मुंबई, सूरत, गुजरात, दिल्ली, इस तरह लोग जाया करते थे ना, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश से, तो वो लौट आए हैं तो उनकी जिंदगी पर असर तो पड़ा होगा, क्योंकि वो वहां कमाते थे, उसके बाद घर बेचते थे, घर का खर्च चलता था, तो इन्हीं की बात की जा रही है। खाद्य असुरक्षा की अगर प्रकार की बात करें तो खाद्य असुरक्षा को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता सकता है। मध्यम स्तरीय खाद्य असुरक्षा, मध्यम स्तरीय खाद्य संकट से अभिव्याय उस स्थिति से है जिसमें लोगों को कभी कभी खाद्य की अनियमित उपलब्धता का सामना करना पड़ता है और उन्हें भोजन की मात्रा एवं गुणवत्ता के साथ भी समझौता करना पड़ता है। गंभीर खाद्य संकट की बात करूं तो गंभीर खाद्य संकट का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें लोग कई दिनों तक भोजन से वंचित रहते हैं, उन्हें पौष्टिक एवं पर्याप्त आहार उपलब्ध नहीं हो पाता है, लंबे समय तक यथावत बने रहने पर यह स्थिति भूख की समस्या का रूप धारण कर लेती है। कभी आप लोग जाइए बस्तियों में, इस तरह की व्यवस्था आप लोग देख सकते हैं, इस तरह की समस्याएं हम यहाँ घर में बैठ के या कहीं भी बैठकर इस तरह के आकलन नहीं लगा सकते हैं। कभी आपको अगर यह स्थिति देखनी है हकीकत में तो किसी बस्ती में जाइए आप लोग, शहरों में भी काफी बस्ती इस तरह की बनी हुई है कि भूख के पेट सोना पड़ता है लोगों को, समझ रहे हैं? भारत में अगर खाद्य असुरक्षा के ऐतिहासिक कारणों की बात करें तो स्वतंत्रता के बाद से ही खाद्यान्न उत्पादन और खाद्य सुरक्षा देश के लिए बड़ी चुनौती रही है। भारत में खाद्य सुरक्षा से संबंधित चिंताओं का इतिहास वर्ष 1943 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान हुए बंगाल अकाल में देखा जा सकता है, जिसके दौरान भुखमरी के कारण लगभग 2 मिलियन से 3 मिलियन लोगों की मृत्यु हो गई थी। कितना? 1 मिलियन मतलब आप समझ रहे हैं 10 लाख के बराबर, तो 2 से 3 मिलियन लोगों की उस समय मौत हो चुकी थी इसके कारण। भारत में 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में हरित क्रांति ने दस्तक दी, जिससे देश के खाद्यान्न उत्पादन में काफी सुधार भी आया। हरित क्रांति की सफलता के बावजूद भी इसकी यह कहकर आलोचना की गई कि इसमें केवल गेहूं और चावल पर अधिक ध्यान दिया गया था। हरित क्रांति में आंकड़ों के अनुसार भारत में वर्ष 2019 में सबसे अधिक कुपोषित लोग मौजूद थे, यानी कि एक अच्छी डाइट ना मिलने के कारण लोग कुपोषित हो जाते हैं। आप सोचिए आयरन की आपके अंदर कमी, या प्रोटीन की, या आप किसी भी की समझ सकते हैं, तो एक तरह से आप कुपोषित हो जाते हैं। गरीबों में आप देखते हैं कि बच्चे कमजोर होते हैं क्योंकि उन्हें डाइट एक मतलब जो जरूरत है हमारी शरीर की, वो डाइट ना मिलने के कारण या तो फिर आयरन की कमी हो जाएगी या किसी और तरह की कमी देखने को मिलती है।
खाद्य एवं कृषि संगठन की रिपोर्ट के अनुसार भारत में तकरीबन 14.8% जनसंख्या कुपोषित है। 14.8%, इसे कम मत समझिएगा, एक बहुत बड़ी जनसंख्या कुपोषित है। भारत में खाद्य असुरक्षा के कारणों की बात करें तो वर्तमान समय में भारत में खाद्यान्न सुरक्षा की दृष्टि से सबसे बड़ी समस्या गरीबी है। वर्तमान समय में भारत की लगभग 1/4 जनता गरीबी गरीबी से जूझ रही है, अभी की बात कर रहा हूं। ऐसे में ये आर्थिक कमी के कारण पोषण युक्त भोजन खरीद नहीं पाते और कुपोषण का शिकार होते हैं। एक बात सोचिए कि हमारा देश 1947 में, आप कहते हैं आजादी मिली है, 1947 में हमें आजादी नहीं मिली थी। एक तरह से आप कह सकते हैं कि अंग्रेज हमारे यहाँ से छोड़ के चले गए थे। आप देखते हैं उसके बाद भी, आप देखते हैं असमानता हमारे समाज में व्याप्त थी, तो हमारे जो नेता थे उन पर छोड़ दिया गया था कि अब तुम्हें आजादी देनी है, देश को आजादी मिल चुकी है, जनता को आजादी तुम्हें देनी है। लेकिन आपने देखा है कि 1947 के बाद से लगभग जब हमारी एक अच्छी पीढ़ी नेताओं की खत्म होने के बाद आपने देखे नए नए नेता उभर के आए, उन्होंने बस वोट बैंक की राजनीति की है। आपने देखा है कि गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, ये सुन सुनकर मुझे लगता है कि दिमाग भर चुका होगा हम लोगों का। जब से हम आजादी, मतलब हमारा देश आजाद हुआ, तभी से चला आ रहा है नारा, तो आप समझ सकते हैं। फिर भी अभी भी गरीबी नहीं हट रही है। अभी कुछ ही देर पहले का मामला है कहीं का, कि चार तीन लड़कियां और दो बच्चे, उसके दो लड़के यानी पांच परिवार, पांच बच्चे और दो, एक मतलब बीबी और उसका हस्बैंड यानी कि पति पत्नी, पति पत्नी ने सुसाइड कर लिया है। वहां नेता साहब तब पहुंचते हैं जब वो सुसाइड कर लेते हैं, उसके बाद आप समझते हैं नेताओं का हाथ जो वोट बैंक रहता है, उन्होंने दो चार वादे किए निकल लिए। आप सोचिए कि भूख से, मतलब भूख खाना नहीं था घर में, और आप सोचिए कि अपने बच्चों को भूखा कोई नहीं देख सकता है, कितना भी माँ बाप बुरे हों क्या भी हों, तो इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया। ये स्थिति यानी कि परिस्थिति नहीं देख पा रहे थे वो लोग, तो अगर उन्हें भी अगर खाने की व्यवस्था हो जाती टाइम से, तो मुझे नहीं लगता है उन्हें अपनी जान देनी पड़ती। तो ये भी देखा गया। भारत में पारंपरिक रूप से गुणवत्तापूर्ण खाने के स्थान पर अधिक भोजन खाने को महत्व दिया गया जाता है। ऐसे लोगों में संतुलित भोजन के स्थान पर अनाज को ग्रहण करने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। इससे प्रोटीन तथा अन्य पोषक पदार्थों की कमी हो जाती है। इसके अलावा धार्मिक रुझानों के कारण मांसाहार की प्रति नकारात्मक प्रवृत्ति भी कुपोषण का एक कारण है। अंडा जैसे उत्पाद अपेक्षाकृत कम कीमत में प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। अब आप समझते हैं कि एक धार्मिक रुझान भी होते हैं, इस तरह की भावनाएं भी कि अंडा नहीं खाना चाहिए तुम अगर हिंदू हो, ऐसा आप लोग देखते हैं, वैसे चलता नहीं है। देखिए अपनी अपनी भावनाएं, आपको अच्छा लगता है आप खा सकते हैं, नहीं लगता है नहीं, ठीक है, इस पर ज्यादा कुछ कमेंट करने लायक भी नहीं। लेकिन देखा जाता है कि अंडा एक सस्ता मतलब प्रोटीन का अच्छा स्रोत है। इसके बदले आप प्रोटीन, आप सोचिए कि आप पावर पनीर खरीद रहे हैं तो मुझे लगता है 100 रुपये का आता होगा, या दूध खरीद रहे हैं तो कम से कम 40 से 50 रुपये लीटर मिलेगा, वही आपको अंडे मिल जाएंगे 20 रुपये में दो, आराम से, और ज्यादा इसमें प्रोटीन भी रहेगा। तो ये भी एक तरह से इसमें कारण जोड़ सकते हैं। हमारी सरकार की न्यूनतम समर्थन मूल्य की नीति भी अनाजों के पक्ष में है। इससे कृषक प्रोटीन युक्त पदार्थों के स्थान पर अनाजों की खेती को अधिक महत्व देते हैं और हमारी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। जो आप कोटा सुनते हैं ना सोसाइटी, यहाँ व्यवस्था ये होनी चाहिए कि सबको प्रोटीन, एक तरह से दाल भी व्यवस्था होनी चाहिए और भी हर तरह से डाइट एक पूरी हो जाए। लेकिन हमारे समाज में देखा जाता है कि शक्कर दे दी जाती है, चीनी दे दी जाती है यानी कि, और नमक दे दिया जाता है, और बस गेहूं दे दिया जाता है, और बाकी दाल वाल इस तरह की व्यवस्था नहीं दे दी जाती। तो ये भी एक तरह से समस्या आई है। इसके अलावा गरीबों की उचित पहचान नहीं हो पाने के कारण वे कई सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते और खाद्य असुरक्षा का शिकार हो जाते हैं। विश्व व्यापार संगठन जनता के लिए व्यापार की सुगमता के नाम पर खाद्यान्नों पर सब्सिडी कम करने का दबाव बना रहा है। इससे भारत सरकार गरीबों को कम कीमत पर अनाज उपलब्ध नहीं कर पाएगी, जिससे भारत में कुपोषण की संख्या और बढ़ेगी। इसके अलावा अवसंरचना के अभाव से भी खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। उदाहरण के लिए भंडार गृहों की कमी से लगभग 25% अनाज बर्बाद हो जाता है, जिससे शेष अनाज की कीमत में वृद्धि हो जाती है। और इसी प्रकार सड़क जैसी अवसंरचना के अभाव के कारण खाद्य वस्तुओं की पहुंच कमजोर हो जाती है। अब बात करते हैं कोरोना महामारी और खाद्य संकट के बारे में।
संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने आगाह किया है कि विश्व की 7 अरब 80 करोड़ आबादी का पेट भरने के लिए दुनिया में पर्याप्त भोजन उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद 82 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी का शिकार हैं। आपने ये भी व्यवस्था सुनते रहते होंगे कि वहां आपने देखा कि खाद्यान्न यानी कि जो भी गेहूं इस तरह के सड़ा सड़ रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक तरफ तो भूख से जनता मर रही है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कि खाद्यान्न सड़ रहे हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कि खराब हो रहा है अनाज, और दूसरी तरफ भूख से गरीबी, मतलब गरीबी से एक तरह से त्राही मार मार रही है जनता। तो एक तो इसमें व्यवस्था इस तरह की नहीं है कि समय से उन्हें मिल जाए। इस बार COVID-19 के संकट के कारण 4 करोड़ 90 लाख अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार हो सकते हैं और पोषण युक्त भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी होने की आशंका भी है। यहां तक कि जिन देशों में प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध है वहां भी खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान पैदा होने का जोखिम दिखाई देता है। हमारे देश में भी इस तरह की प्रॉब्लम देखी जाती है कि हमारे देश में भी पर्याप्त खाद्यान्न होता है, लेकिन फिर भी देखते हैं कि एक तरह से व्यवधान है, एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पा रहा है, गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इस व्यवस्था को भी हमें सुधारना होगा। खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की त्रिविमीय अवधारणा। बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता। सर्वप्रथम बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता, पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिए कृषि विपणन स्थलों में सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा पूर्व में कई महत्वपूर्ण सुधार किए गए जो इस प्रकार हैं। मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीजिंग एक्ट 2016 राज्यों को जारी किया गया, जो कृषि सुधारों के संदर्भ में अत्यंत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिसके माध्यम से न सिर्फ भू धारकों वरन लीज प्राप्तकर्ता की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है इसमें। फिर आपका राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम ई नाम, इसके तहत बेहतर मूल्य सुनिश्चित करके पारदर्शिता और प्रतियोगिता के माध्यम से कृषि मंडियों में क्रांति लाने की एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया प्रारंभ की गई। सरकार ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट 2018 जारी किया है, जिसमें पहली बार देश के अन्नदाता किसानों तथा कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ा गया है। लोगों की खाद्यान्न तक पहुंच सुनिश्चित करना। खाद्यान्न तक पहुंच बेहतर क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। कृषक के अतिरिक्त प्रत्येक को बाजार से खाद्यान्न क्रय करना पड़ता है। इस वैश्विक महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियां बाधित होने से लोगों के पास धन का संकट है, यानी कि पैसा नहीं है, परंतु मनरेगा जैसी योजना के कारण लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है, जिससे उनकी पहुंच खाद्यान्न तक सुनिश्चित हो पाई है। इस संकट के दौरान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंद प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त राशन भी उपलब्ध कराया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्धारित खाद्य उत्पादों के अतिरिक्त बाजरा, दाल, तेल जैसे अन्य खाद्य उत्पादकों को भी शामिल करना चाहिए। खाद्य सब्सिडी योजना के अंतर्गत खाद्य सुरक्षा के लिए सरकार समय समय पर खाद्य सब्सिडी जारी करती है, ताकि खाद्य संकट पैदा ना हो। भोज्य पदार्थों का अवशोषण व उपयोग। खाद्य सुरक्षा के तीसरा आयाम है कि शरीर में भोजन का अवशोषण और उसकी समुचित उपयोग। भोजन का अवशोषण और उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित स्वच्छता, पीने योग्य जल और अन्य गैर खाद्य कारकों पर महत्वपूर्ण ढंग से निर्भर करता है। COVID-19 संक्रमण के कारण बार बार हाथों को धुलने से ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्वच्छ पीने योग्य जल की कमी महसूस की जा रही है। वैसे भी आप देखते हैं कई क्षेत्र हमारे जल से भी जूझते रहते हैं, जल की कमी से। आगे आपका खाद्य सुरक्षा की वैकल्पिक विधियों की अगर बात करूं तो खाद्यान्न कूपन प्रणाली। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिए निर्धनता रेखा यानी कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को खाद्यान्न कूपन देकर उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर मुद्रा के रूप में के स्थान पर स्वीकार किया जाना चाहिए। ऐसी दुकानों पर गेहूं चावल की बिक्री पिछले बाजार मूल्य पर होनी चाहिए। परिणाम स्वरूप भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी। इस कूपन प्रणाली में सही सफलता तभी प्राप्त होगी जबकि निर्धनों की पहचान के लिए विशिष्ट पहचान संख्या लागू की जाए। पर्याप्त की बहुउपयोगी स्मार्ट कार्ड। प्रौद्योगिकी विकास के साथ साथ बहुउपयोग की स्मार्ट कार्ड व्यवस्था अस्तित्व में आई है। इन कार्डों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को सरल बनाया जा सकता है और इस प्रकार यदि यदि सभी अहे परिवार की पहचान, अधिकृत लेन देन की जानकारी और प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा आदि का विवरण
ऑनलाइन उपलब्ध हो तो खाद्यान्न की निर्गम के समय इसकी पुष्टि की जा सकती है। भ्रमण की जानकारी भी ऑनलाइन हो जाने से कार्यक्रम की प्रगति भी आसान हो जाएगी। बफर स्टॉक बढ़ाना अत्यंत आवश्यक। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों, दालों, चीनी इत्यादि वस्तुओं के भंडारण व आयात का पूर्वानुमान लगाकर बफर स्टॉक बनाए जाने की रणनीति तैयार की जानी चाहिए, जिससे भ्रष्टाचार और जमाखोरी को रोका जा सके। लास्ट में हम कह सकते हैं कि COVID-19 संक्रमण के दौरान भारत स्वास्थ्य चुनौतियों के अतिरिक्त जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उसमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते खाद्य मूल्य और जलवायु परिवर्तन का खतरा ऐसी चुनौतियां हैं जिनसे युद्ध स्तर पर निपटे जाने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए जूझ रहा हो, उसे दर्शन नहीं समझाया जा सकता है। यदि भारत को विकसित राष्ट्र की सूची में शामिल होना है, तो उसे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। इस तरह की अगर कथन भी हुआ करेंगे आप, तो इसे भी डाल सकते हैं आंसर में। जब भी इस तरह के आप लोग कथन याद रख लिया करिएगा, अगर इन्हें डालते हैं तो बड़ा प्रभावकारी आंसर हो जाता है। और वैसे आप लोग भी सामान्य तौर पर देखते हैं कि आपने देखा है कुछ सालों से हमारे देश में किसान भी सुसाइड कर रहे हैं, यानी कि आत्महत्या कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ देश में किसानों की और जवानों की हालत ही कमजोर है, यानी कि उन्हें ही बुरी स्थिति में रखा जा रहा है। और बाकी आप लोग देखिए, किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को तो मजे कर रहे हैं, जिन्हें हकीकत में मदद देनी चाहिए उन्हें मदद नहीं दी जाती। इसमें ये भी स्थिति देखी गई थी अभी भी आपने, कि 500 रुपये दिए गए थे, उसमें 500 रुपये में आप भी समझते हैं कि क्या पढ़ने वाला है, महीने में 500 रुपये में क्या होगा, समझ रहे हैं। तो बाकी देशों में आप देख सकते हैं, जापान को ले लीजिए, अमेरिका को ले लीजिए, या फिर यूरोपीय देशों को ले लीजिए, इन्होंने खासी ही मतलब डायरेक्ट पैसा भेजा है अकाउंट में, कि आप समझिए कि अगर लोगों के पास पैसा रहेगा तो वो अपनी खर्च पानी कर सकते हैं, लेकिन जब पैसा ही ना रहे तो क्या कर सकते हैं। तो ये भी देखी गई है समस्या। चलिए आप लोग लिखते रहिए अच्छे से, इस तरह के क्वेश्चन से बनने की पूरी संभावना है। इस बार आप देख रहे हैं क्योंकि महामारी एक बहुत मतलब बुरी तरह से प्रभावित किया है, तो इससे का एक ना एक क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, हो सकता है कि ऐसे पूछ ले, निबंध पूछ ले आपका। तो अच्छे से पॉइंट ढूंढ लीजिए कुछ, और अपना जो भी नोट्स बनाना है बना सकते हैं।